क्या बायर एमएसएमई समाधान में अपने ऊपर हुए केस में सप्लायर के ऊपर काउंटर क्लेम डाल सकता है? जी हाँ, अगर आप एक बायर हैं और सेलर ने आपके ऊपर एमएसएमई समाधान में एक रिकवरी केस डाल दिया है जिसमें असलियत में आपको ही उस सेलर से कॉम्पनसेशन, रिफंड या किसी डिफेक्ट या डेफिशिएंसी के कारण कोई भी अमाउंट क्लेम करना है, तो उस अमाउंट के लिए आप दूसरी पार्टी के ऊपर एक काउंटर क्लेम डाल सकते हैं। ये राइट सुप्रीम कोर्ट की 2021 में आई हुई जजमेंट सिल्पी इंडस्ट्रीज वर्सेस केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में दिया गया है, जिसके बाद से बायर्स को सेलर के ऊपर एक सेपरेट सिविल केस नहीं डालना पड़ता। तो उसी एमएसएमई रिकवरी केस की प्रोसीडिंग्स में एक काउंटर क्लेम डालकर बायर्स भी सेलर्स के अगेंस्ट कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में तो वो काउंसिल या आर्बिट्रेशन की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो काउंटर क्लेम अलाउ होता है या नहीं। कुछ काउंसिल्स इस काउंटर क्लेम के ऊपर सेपरेट आर्बिट्रेशन फीस लगा देती है जो या तो उस बायर को देनी पड़ती है या कुछ केसेस में दोनों पार्टीज में शेयर भी होती है। एमएसएमई समाधान से जुड़ी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलूंगा मैं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।